जिस दिन याद है हमने फ्रेंच फ्राइज वाला पिज्ज़ा किया था उस दिन ना हम आफ्टर लाइक वी वर डन विद द शूट तो हम आए थे मलिक ढाबा पे चाय पीने एंड चाय पीते पीते वहाँ पे ना गाड़ी पे नॉक हुआ और एक बच्चा था जिसने हमें सॉक्स बेचने की कोशिश करी. उसने हमें बोला कि भैया प्लीज़ सॉक्स ले लो. तो हमने उसको ये बोला कि भाई ये जो सॉक्स हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है बिकॉज़ हम पहनते नहीं हैं. पर हमने उसको कुछ पैसे ऑफ़र करने की कोशिश करी और वो इतना डिग्निफाइड इंसान था, इतना ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान था अपने काम को लेके. इतना ज़्यादा उसने बोला कि भाई मैं पैसे नहीं ले सकता आपको. अगर जुराबे ख़रीदनी है या सॉक्स ख़रीदनी है आपको तो आप ले लो, पर मैं पैसे नहीं ले सकता. अब जब हम मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, यार हम ज़्यादा करके क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत हरकतें, गलत काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक के पैसा अंदर आना चाहिए. इन टाइम्स के अंदर जब ये बच्चा हमें दिखा तो एक 15 साल के बच्चे से, मैं 28 साल का हूँ, एक 15 साल के बच्चे से मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस रात को. मैंने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था. मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे तेरे से काम पड़ेगा बाद में, मुझे कोई ज़रूरी काम है तेरे से. तो अब मैं दो मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो दुविधा में था, दुविधा बोलो या दो, आई वॉज बेसिकली स्टक कि यार अगर मैं एक ऐसी स्टोरी करता हूँ जो फूड से रिलेटेड नहीं है तो वो शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी. बट कहीं ना मेरे अंदर से वो एक आ रहा था कि यार इसकी स्टोरी करनी ज़रूरी है. तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया एंड आप देखो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ऐसा कंटेंट हम मोर ऑफन कर सकते हैं. और आप सब लोग जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना एम्पावर कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक छोटा सा हमारा एक जो हमारी जो कोशिश है वो हमें करते रहनी चाहिए. तो आप देख के बताओ, इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको शायद रोना आ जाएगा, मैं तो रो पड़ा था. तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, हम ऐसा कंटेंट, फूड से रिलेटेड ऐसा कंटेंट भी हम बना सकते हैं. पाव भाजी तो बंद हो गया, पाव भाजी तो बंद हो गया होगा भाई. एक तो आप दिहाड़ी पे निकलते भी रात को हो ना? जी. सुबह क्यों नहीं निकलते? सर सुबह स्कूल जाते हैं. कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक. 8 से लेके 2? हाँ, उसके बाद 2-3 घंटा सोते हैं. 4 बजे तक सोते हैं. ठीक है. उसके बाद 5 बजे फिर मैं खेलने निकल जाता हूँ थोड़ी देर. क्या खेलते हो? बैट बॉल खेलते हो? हाँ, क्या बात है भाई. भी खेल लेते हैं. चिड़ी छिक्का भी? आप क्या करते हो रात में? फिर रात में सर मैं जुराबे बेचता हूँ. जुराबे? कौन सी वाली? कॉटन की. तो लोग खरीदते हैं? हाँ, ले लेते हैं सर. अच्छा. 2-3 गाड़ियों में एक गाड़ी वाला ले लेते हैं. बस मेहनत करना पड़ता है सर. ले लो, हमको अपनी खर्चा निकालना घर का, फिर लेते हैं सर, नहीं तो नहीं लेते हमारे से. अच्छा, तो अगर जैसे कोई ऐसे पैसे दे दे, फॉर एग्जांपल सर हमको पैसे दे देते, हम पैसे नहीं लेते हैं. वो क्यों? सर हमको अच्छा नहीं लगता है. वो क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि ये नशा करता है इसलिए पैसे लेता है. हाँ. कोई गलत कामों में लगाता है इसलिए पैसे मिल लेता है ये. हाँ. हम ये सब चीज करके नहीं लेते सर, हमको शर्म आता है, हम अपना हाथ का कमाई खाने का अच्छा लगता है. अच्छा, क्या बात है भाई. आजाद भाई क्या खाओगे? मंचूरियन. आइए सर. कौन सा वाला? वेज मंचूरियन, चीज मंचूरियन के क्रीम मंचूरियन? क्रीम मंचूरियन. आइए सर. सर एक प्लेट क्रीम मंचूरियन लगा दीजिए. भैया बताते रहना कैसे बनाओगे. ये तेल आ गया आजाद भाई. ठीक है. ये क्या है सर? लहसुन आ गया. ठीक है आजाद भाई. ये क्या आ गया? मिर्च आ गई. ये क्या क्या आ गया? टमाटर. प्याज और टमाटर. क्या बात है सर. आजाद भाई ये क्या है? पानी आ गया ना. हाँ पानी. ये विनेगर आ गया. सिरका. हाँ. ये क्या है सर? टमाटर. अच्छा, नमक आ गया जी. नमक आप तेज खाते हो या कम खाते हो? कम खाते हो. ये धनिया आ गया. आजाद भाई ये ना इन्होंने मंचूरियन बना के रखे होते हैं फ्राई करके. अच्छा, तो ये वो है. ये पहले अच्छा थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना मंचूरियन को. वो जो है ना उनको हाफ डन किया हुआ, अभी पूरा पका देंगे. हाँ, पूरा तल के फिर इसमें डालेंगे. अब ये इसमें आ गया. मैं एक बात बताऊँ, मैंने भी बहुत कम देखा है मंचूरियन बनते हुए.
अच्छा नहीं, हम लोग ये सब काम देखे नहीं, क्या देखते रहते हो? नहीं देखे नहीं, नहीं देखते। अच्छा ये क्या आ गया भैया? क्रीम। अच्छा क्रीम डाल दी आपने, क्रीम वाला मंचूरियन बोला है ना, तो इसलिए क्रीम डाल दी उन्होंने। यार ये तो मैंने भी नहीं कभी खाया यार, क्रीम वाला मंचूरियन। ये क्या है भैया? अच्छा आजाद भाई, मन कर रहा है खाने का? भूख लगी है? चलो फटाफट से फिर ना, जैसे ही प्लेट में आता है ना तो फटाफट से अटैक करेंगे, ठीक है? आइए। आजाद भाई खा के बताओ कैसा है। बहुत ज्यादा गर्म है ना? हाँ जी। खा के बताओ कैसा है। कैसा है? बहुत बढ़िया। 10 में से कितने नंबर दोगे? 9 नंबर। 9 नंबर। एक किस लिए काटा? एक थोड़ा सा कम था, कुछ नमक थोड़ा कम है। नमक कम है? भैया नमक डाल दो हल्का सा आजाद भाई के लिए। कम ही खाता था ना। अच्छा आपने कम बोला था ना, थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज्यादा कम है। आजाद भाई एक नंबर और पता क्यों कट गया? गरम बहुत था ना। जो नॉर्मल मंचूरियन होता है और उसमें फर्क है? इससे थोड़ा बढ़िया है। उससे बढ़िया है? अच्छा फिर तो अच्छी बात है ना। हम है जी मॉडल टाउन की मेन मार्केट के अंदर, रात के 11:30 हो रहे हैं। 11:30 ना बजे? 11 बजे रात के 11 बज रहे हैं। एंड किशन फास्ट फूड यहाँ पे खुला है। एंड इनका जो क्रीम मंचूरियन है ये हमने ये ट्राई किया है जी। एंड कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितने नंबर? 9। 9 नंबर। तो सुबह फिर खाना क्या खाते हो? सवेरे सर परोठा चाय। अच्छा परोठा और चाय, कहाँ से? सर घर में दीदी बना के देती है हमारी। अच्छा क्या बात है जी, तो दीदी के हाथ का खाना खाते हो? हाँ जी। और रात को जब आते हो तो? मम्मा के हाथ का। मम्मा के हाथ का। हाँ जी। क्या खा के आते हो? कभी सर चावल खा लेते हैं। हाँ। नहीं तो कभी दाल रोटी हो गया। हाँ। नहीं तो कभी पनीर की सब्जी। क्या बात है। जब कभी जुराबे नहीं बिक पाती होती। हाँ जी। तो फिर सर नहीं बिकती है तो घर चले जाते हैं, फिर दिल दुख जाता है क्या करें। एक दिन मेरे को जराब नहीं ले रहे थे। हाँ हाँ। मेरे को गाली निकालने लगा। कहता मेरे को क्यों इतना मेहनत करी जा रहा है, जराब बेच रहा है। कहता सर हम अपनी मेहनत के लिए कर रहे हैं। कहता हमने नहीं लेना, मेरे टोकरी उठा के सर फेंक दिया उसने। अरे भाई फिर लोगों ने उनको बोला कि बंदे गरीब बंदे को क्यों जराब फेंक रहे हो। हाँ। तो जब आपको कोई ऐसे करता है तो आगे से आप क्या करते हो फिर? सर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे उनके आगे। वो तो बड़े लोग होते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हमको और उल्टा हमको ही बोलेगा। हाँ। इस करके हम सर कुछ नहीं बोल पाते हमको। हाँ। कभी नौकरी करी आपने? हाँ सर फैक्ट्री में करी है। हाँ हाँ। एक बारी मेहनत की है, एक बारी मैंने सर उसमें बंडल उठाना पड़ता था, बंडल होती थी 25 किलो की। अच्छा, अच्छा। वो उठाना पड़ता था। हर टाइम बंडल उठाना पड़ता था, एक थोड़ा देर बैठो अगला गाली निकालने लगता है, पैसे क्या चीज का ले रहे हो। सर मैंने आराम तो कर सकते हैं, पानी तो पी सकते हैं। कहता नहीं आराम नहीं करने मिले, पैसे दे रहे हैं काम करो। अच्छा कितने घंटे? सर 12 घंटे। अरे भाई साहब खाना वाना भी नहीं खा सकते? खाना भी नहीं खाने देता। फिर हमने काम ही छोड़ दिया, बोला हम काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। क्या तनख्वाह लगती थी वहाँ पे? सर 5,000। अच्छा टाइम पे तनख्वाह मिल जाती थी? टाइम पे नहीं देता था सर, अभी 2,000 पे दिया, 3,000 पे नहीं दिया। अभी भी नहीं दिया? नहीं दिया सर। अरे भाई सर एक मिक्स फ्रूट वाली आइसक्रीम दे दो। ये है जी खालसा आइसक्रीम, यहाँ से हमने आइसक्रीम लिया जी, मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। एंड अभी होने जा रहा है टेस्ट टेस्ट, तो आजाद भाई टेस्ट टेस्ट करके बताओ आइसक्रीम कैसी है। ठीक ही है सर। ठीक है। 10 में से कितने नंबर? सर 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर। दो किस लिए काटे? सर उसमें की मिक्स फ्रूट नहीं लग रहा है। अच्छा थोड़ा फ्रूट कम है? कम है थोड़ा सा। जस्ट बड़े होके क्या बनना है वैसे? डॉक्टर बनने का मेरा कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्या बात है सर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th। क्या उम्र है सर मेरा? 15। 15 साल। क्या बात। घर में कौन भाई बहन है?
सर हमारी तीन सिस्टर है, एक अकेला मैं भाई हूँ बस। अच्छा, पापा का काम करते हैं? पापा हमारे रिक्शा चलाते हैं सर। और कहाँ से हो आप? सर हम बिहार से हैं, समस्तीपुर हमारा जिला है। क्या बात है भाई, समस्तीपुर तो बहुत मशहूर है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। जाते रहते हो? हम दो बार ही गए हैं सर वहाँ। अच्छा, और जन्म कहाँ हुआ? जन्म सर हमारा लुधियाना का, पंजाब में। तो फिर तो आप पंजाबी हुए? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हम पंजाबी बोलते हैं सर पंजाब में। फिर साडे नाल गल क्यों नहीं कर रहे तुसी पंजाबी? देखो गल बात चेक करो, बिहार तो है, समस्तीपुर तो, लुधियाने का जन्म होया, पंजाब च जमपल है जी, ते गाने हिंदी नहीं सुनते। स्वाद आ गया जी। आजाद भाई, रात को डर नहीं लगता? सर डर लगता है, क्या करे, मजबूरी है तो करनी पड़ेगी सर। रात को कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ सर, एक बारी रास्ते में। क्या हुआ था? एक बारी सर हमको कोई ऑटो वाले ने हमको चाकू दिखा के हमारे से पैसे छीनने की कोशिश किया। अरे भाई, हमने डर के मारे हमने उसको पैसे दे दिया। हाँ? 1000 रुपए था हमारे जेब में। अरे भाई, बोला जो भी है तुम निकाल दो। हमने बोला यार भाई हमारे पास 1000 रुपए है, ले ले। हमने दे दिया सर। उसके बाद हमको वहीं पे उतार दिया रात को। फिर हम सर पैदल गए इतनी दूर। हाँ? रात को डर के मारे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? सर हम यहाँ से स्टेशन पे से सर हम जा रहे थे ताइप रोड चुंगी पे जेल के आगे। अच्छा सर, वहाँ पे हमको जेल के पास उतार दिया। हाँ? डर लगने लगे, अकेला गया सर मैं वहाँ। हाँ? इतना दूर। हाँ? रोते रोते। हाँ? उसके सर घर पहुँचा, घर वाले ने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला मेरे को किसी ने चाकू दिखा के पैसे छीन लिया ऑटो वाले ने। तो सर घर वाले ने बोला कि इतना रात को क्यों आ रहे थे? बोला पापा माल बिक गया था, इस करके मैं जल्दी आने वाला था। बोला तो सवेरे आ जाना था। मैं बोला मेरे आने का मन कर रहा था, नींद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया जल्दी। अरे भाई, आजाद भाई जी। आपके लिए एक ही बात है, पता है क्या? दिल से पता है एक चीज निकलती है। क्या, क्या निकलता है पता है? सलूट निकलता है। जी, जी। सलाम निकलती है अंदर से। और जितने लोग देख रहे होंगे ना आपको, वो सब के सब यही बोलेंगे, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। जी। मेरी जान, एक पिज्जा पराठा लगवा दो। एक पिज्जा पराठा, वो वाला जो उस दिन लगाया था ना, बढ़िया सा। हाँ, जो हमारे वाला। हाँ, वीडियो वाला। ओके सर। आजाद भाई, ये हमें पहचानते हैं ना, ये क्योंकि इनकी वीडियो करी थी। ठीक हूँ आजाद भाई, मुझे इसका पिज्जा पराठा हरी चटनी के साथ इतना बढ़िया लगा था ना, मजा आ गया था। सर ये पैक हो जाएगा ना अभी? हाँ हाँ, पहले पैक की बात मत कर मेरे भाई, पहले खा ले। देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कैसा टेस्ट है? ठीक है सर। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। 10 में से कितने नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर।